देशाचं रक्षण करण्यासाठी दिवसरात्र सीमेवर लढणाऱ्या जवानांना नेमकं कोणत्या परिस्थितीमध्ये राहावं लागतं याचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल झालाय. BSFच्या एका जवानानं फेसबुकवर आपली संपूर्ण व्यथा मांडली आहे. BSFचे जवान तेजबहादूर यादव यांनी या व्हिडिओमध्ये जवानांना नेमकं कोणत्या स्थितीमध्ये देशाची सेवा करावी लागते हे स्पष्टपणे सांगितलंय. जवानांना नाश्त्यासाठी फक्त एक पोळी आणि चहा मिळतो तर दुपारच्या जेवणामध्ये वर्णाच्या नावाखाली फक्त हळदीचं पाणी दिलं जातं असा थेट आरोप या जवानानं व्हिडिओच्या माध्यमातून केलाय. जय हिंद देशवासियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं. मैं BSF 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान, जो कि हम लोग सुबह 6 बजे से शाम को इस बर्फ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर करते हैं. कितना भी बर्फ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं. पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों, फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है, ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है, कोई भी सरकारें, हमारी हालात वही दरबत्तर है. मैं आपको इसके बाद 3 वीडियो भेजूंगा, जिसके मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं. हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता. इन हालातों में ऐसी किन हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है. मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा, जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ. दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा. रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा. मैं फिर कह रहा हूं, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है. कहां जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए. मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि कृपा करके इसकी जांच करवा दोस्तों. ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हो. इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, पूरा शेयर करें, ताकि हर मीडिया आके यहाँ जांच करे, देखे कि किन हालातों में जवान है. मैं बाकी वीडियो आपके पास पेश करूंगा, जिनकी पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा. जय हिंद. घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये दाल, ना इसमें प्याज है, ना लहसुन अदरक में, कंटिन्यू 10 दिन से यही दाल और ये रोटियां, देखिए आप ये. अब आप ही बताइए, यह खाना खा के क्या एक BSF का जवान 10 घंटे ड्यूटी कर सकता है? सभी अधिकारी सब सामान बाजार में बिक्री कर देते हैं, ये खाना खाने के लिए मिलता है. इसलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भारत सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें. मैं अपना खुद का वीडियो भी आपको दिखाता हूं, जो मैं ये अपलोड कर रहा हूं. अच्छी तरह से आप देख सकते हैं दाल. मैं तेज बहादुर 29 BNBSF से ये बयान दे रहा हूं कि आज के जमाने में जवानों की क्या हालात है, कैसा खाना मिल रहा है, आप देख रहे हैं. जय हिंद.